أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रजब का महीना है और इस महीने के हवाले से दो तरह के नज़रियात पाए जाते हैं जिनके बारे में आप गुफ्तगू पिछले जुम्मे में सुन चुके हैं। हम पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि ये अहले हदीस हजरात वहाबी लोग सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो की तारीफ नहीं करते, फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान नहीं करते, हालांकि ऐसा नहीं। फ़र्क ये है, जिस तरह ईसाई मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, हालांकि कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को माने बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और सच्चे पैगंबर हैं और साहिब किताब हैं, अल्लाह ने इंजील उन पर उतारी है। फिर ईसाई क्यों कहते हैं कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते? वो इसलिए कहते हैं कि जिस तरह वो मानते हैं हम उस तरह नहीं मानते। वो नऊज़ु बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहते हैं। ये बुनियादी फ़र्क है। अब हम जब बेटा नहीं मानते तो वो कहते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं। यही मामला यहां है। हम अल्लाह में, रसूल में, अलीउल मुर्तजा में फर्क करते हैं। अल्लाह अलग है, वो खालिक है सारी कायनात का। सैयदना अलीउल मुर्तजा क्या बल्कि कोई पैगंबर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमसर और साजी नहीं हो सकता। वो खालिक है और पैगंबर सारे मखलूक हैं। और फिर जो लोग सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम लेकर अपने मसलक को परवान चढ़ाते हैं और खुद को सैयदना अली अल मुर्तजा का पैरोकार समझते हैं, वो जब हमारे मुंह से सैयदना अली अल मुर्तजा की तारीफ सुनते हैं, चूंकि तारीफें पब्लिक का एक मिजाज बन चुका है, तारीफ जब ही जचती है जब उसमें मिर्च मिसाला हो। जब मिर्च मिसाला नहीं होगा तो सालन फीका है और फीका सालन किसी को भी नहीं भाता। मरीज भी बेचारा जबरदस्ती खा रहा होता है कि डॉक्टर ने कहा फीका खिलाओ, सलूने इसने बहुत खा लिए हैं, अब इसको फीका खिलाओ, वो भी मजबूरन खा रहा होता है। तो हमारी जो तारीफ होती है मिर्च मिसाले के बगैर वो फीकी तारीफ होती है, उनको वो फीकी लगती है, मजा नहीं आता। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौकों पर बात की, उसमें से एक बात ये भी है, आप एक मजलिस में बैठे थे, कुछ लोगों ने सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो की शिकायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की।
शिकायत से मुराद जैसे दुनिया में इंसान जिंदगी गुजारता है, किसी से थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम से सहाबा के सामने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की कोई शिकायत लगाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा और उस शिकायत लगाने वाले से कहा कि अली ऐसा शख्स है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, लिहाजा जो शख्स अल्लाह से डरता हो वो तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर सकता। फिर आपने फरमाया मन कुन तो मौला हो फालीजुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है। अब हम जब कहते हैं कि मौला के मानी इंतहाई मुखलिस खालिस गहरा दोस्त, जिसे आप आसान जुबान में जिगरी यार कह सकते हैं, जिगरी यार, ये हमारे यहां इस्तला जिगरी यार या लंगोटिया यार, यानी इंतहाई बचपन का दोस्त और बहुत गहरा दोस्त, जिससे आप बिल्कुल राजदारी की बातें भी बड़ी खंदा पेशानी के साथ कर सकें और आपको ये डर ना हो कि ये जिंदगी की किसी मोड़ पर आकर मुझे बदनाम करेगा। उसे मुखलिस दोस्त, उसे मौला कहते हैं। और वैसे लफ्ज मौला के कई मानी है, मौला आका को भी कहते हैं, सरदार को भी कहते हैं, और एक मानी मौला के बिल्कुल उलट है, वो है गुलाम। मौला के मानी गुलाम भी हैं, जिसे आप जर खरीद करते हैं, मौला के मानी गुलाम भी, जनाब भी है, सैयद भी है, सरदार भी है। अब हम जब कहते हैं कि मन कुन तो मौला हो फालीजुन मौला के मानी ये हैं कि जिसका मैं दोस्त हूं अली भी उसका दोस्त है, कहते हैं देखा डंडी मार गए, ये कोई तारीफ है? ये कोई तारीफ है? इसका मतलब है जो बंदा मुझे आका मानता है वो अली को भी आका मानेगा। अब ये जब नहीं कहेंगे तो वो कहेंगे इन्होंने तारीफ ही नहीं की, ये तो तारीफ ना हो। अब आप देखिए, हजरत अली को मौला आपने बाद में कहा, खुद को मौला आपने पहले कहा कि मन कौन तो मौला, जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है। तो अली को मौला बाद में कहा, खुद को मौला पहले कहा, तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए तो इसरार है कि उसे मौला अली मौला अली मौला अली कहा जाए, लिखा जाए, पुकारा जाए, सुना जाए, कहा जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने बारे में लफ्ज पहले इस्तेमाल किया, कोई है दुनिया में जो कहता हो मौला रसूलुल्लाह सल्लम? कोई लिखता हो, कोई पढ़ता हो, कोई सुनता हो, कोई कहता हो कि मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह, मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फिर आखिरी जुमले पर क्यों इसरार? जिस तौजीह और जिस वजह की बुनियाद पर आपने रसूलुल्लाह के नाम के साथ छोड़ा हुआ है लफ्ज मौला, जबकि वो आपने पहले इस्तेमाल किया कि अली उसका मौला है, बाद में कहा जिसका मैं मौला हूं पहले कहा। अब इसके वही मानी है, शिकायत करने वालों को आपने कहा देखो अगर तुम मुझे दोस्त बनाते हो, मुझे अपना खैर खास समझते हो, तो अली को भी समझो, इसलिए कि मैं जिसका दोस्त हूं अली भी उसका दोस्त, अली भी उसका दोस्त। बात समझ में आ जाती है। अब उसमें मिर्च मिसाले चूंकि नहीं डले तो यार लोगों को बात समझ में नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज हजरत अली के लिए तो आपने कहा ना कि जिसका मैं मौला हूं अली भी उसका मौला। हजरत जैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके लिए आपने अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया, वो आपके गुलाम थे,
आपने खरीदा, उसे आजाद कर दिया, बेटा बनाया, जैद बिन हारसा। उसके लिए आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये जैद बिन हारसा जो है इख्वानाना व मौलाना, ये हमारा भाई भी है और हमारा मौला भी है। एक तो ये है अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा जिसका मैं मौला हूं, अली भी उसका मौला है, ठीक है, जिसका मैं दोस्त हूं अली भी उसका दोस्त है। अब यहां हजरत जैद के लिए पब्लिक के लिए नहीं कहा, अपने लिए कहा, इख्वानाना व मौलाना, ये हमारा भाई भी है और हमारा मौला भी है। अगर आप वही आका और सरदार के मानों में लें तो क्या बोलेंगे, ये गुलाम जो आपने खरीदा और आजाद किया ये नऊज बिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आका बन गया है। थोड़ा सा सोचिए, तन्हाई में, खलवत में थोड़ा सा सोचिए, आपने अपना अपने गुलाम आजाद करदा गुलाम जैद को आपने अपना आका तो नहीं करार दिया, आपने फरमाया ये हमारा भाई भी है, हमारा दोस्त भी है, हमारा दोस्त भी है, हमारी इससे मोहब्बत भी है, हमारा इससे प्यार भी है, हमारी इससे उल्फत भी है, हमारी इससे राजदारी भी है। यही वजह है बहुत सारे मामलात में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा फैसला फरमा देते कि सहाबा की ख्वाहिश होती कि इस फैसले को अगर यूं नहीं यूं होता तो ज़्यादा बेहतर था, हालांकि सहाबाए किराम का ऐसा सोचना बनता नहीं था। जैसा कि एक औरत ने, फातिमा नामी कोई औरत थी किसी कबीले की, और वो मालदार कबीला था, बड़ा अमीर कबीर कबीला था, उससे चोरी सरजद हुई और वो पकड़ी गई, जुर्म साबित भी हो गया, रसूलुल्लाह सल्लम की अदालत में पेश भी हो गया। अब आप तो इंसाफ करने वाले थे, आप इंसाफ करने वाले थे, फैसले में आप ये नहीं देखते थे कि किस खानदान की है, ऊंचे घराने की है, अमीर कबीर लड़की है, क्या है क्या, आप इंसाफ को मद्देनजर रखते और फैसला सादर फरमाते, और हर जज को ऐसे ही करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि जुर्म गवाहों से साबित है और वो तस्लीम भी कर रही है, आपने हाथ काटने की सजा का हुक्म दे दिया। कबीले वाले बड़े परेशान हुए, तो ये तो हमारे लिए समझो हमारी तो नाक कट गई, ये हाथ जब कटेगा घर में जब भी कोई आएगा और इसका कटा हुआ हाथ देखेगा पहला सवाल यही करेगा कि ये हादसा कैसे हुआ। अब मैं अच्छा भला हूं, मेरा हाथ या पाँव अल्लाह ना करे कभी किसी हादसे में कट जाए, हर बंदा पूछेगा कि खलील मियां ये क्या हुआ, खैरियत क्या हुआ, ये कैसे हुआ, हर कोई पूछेगा। अब जब इस औरत से पूछा जाएगा कि ये एक हाथ खैरियत कैसे कटा, तो इसको बताना पड़ेगा चोरी के जुर्म में कटा, तो ये तो हमारे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है, सारी जिंदगी हमारी नाकें कटती रहेंगी। तो अब उन्होंने सोचा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाए कि इस औरत के हाथ के बदले कोई और तावान रख लें पैसों की शक्ल में, वो चाहे इसकी चोरी से भी डबल हो, तीन गुना हो, जो भी हो, कोई और तावान रख लें, हाथ ना काटे। अब ये तजवीज पास हो गई, लेकिन अब ये हिम्मत किसी को नहीं हो रही कि रसूलुल्लाह सल्लम को जाकर कहे कौन, आगे ये बात करे कौन। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जैद बिन हारसा को भेजा गया। ये जैद बिन हारसा आपके गुलाम भी थे, मैंने अर्ज किया आपने मुंह बोला बेटा भी बनाया हुआ था, हजरत जैनब की शादी भी आपने इसी से कराई, जो आपकी पूपीजाद बहन थी जो बाद में वहां से तलाक होकर रसूलुल्लाह सल्लम के निकाह में आई, आप बड़ा प्यार करते थे इससे क्योंकि बेटा बनाया हुआ था। अब लोगों ने मशवरा किया कि जैद से कहो, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह के रसूल जैद की बात टालेंगे नहीं,
क्योंकि आपका प्यार वो देख चुके थे। और हजरत जैद से कहा गया कि आप जाकर अल्लाह के रसूल से दरखास्त करो कि इसके बदले कोई तावान रख दें, कोई पैसा जुर्माना रख दें, लेकिन इन्हें हाथ ना काटें। जब जैद ने आकर के कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से आपका रंग चेहरा अनवर सुर्ख हो और आप खड़े हो गए और आपने खुतबा दिया और फरमाया, लोगों तुमसे पहली कौमें इसीलिए बर्बाद हुई थी, उन पर जो अल्लाह के अजाब आते थे इसीलिए आते थे कि जब कोई बड़ा जुर्म में पकड़ा जाता उसे माफ कर दिया जाता और जब कोई छोटा जुर्म में पकड़ा जाता उसे सजा दी जाती, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपने जैद की बात को भी टाला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसी जैद के, और आपने उस वक्त एक तारीख साज जुमला फरमाया, आपने फरमाया, इन्ना फातिमा ता बिन्त मुहम्मद सारा कत्ल कता तो यदा, अगर फातिमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वो भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। लकता तो यदा, तुम मुझे किसी के खानदान की सिफारिश करते हो, मुझे बताओ मेरे खानदान से ऊंचा खानदान किसका हो सकता है। अगर फातिमा चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत इंसाफ थी। तो उसी जैद के बारे में आपने फरमाया, ये जैद इखवानाना व मौलाना, ये हमारा भाई भी है और हमारा दोस्त भी है, मौला भी है। उसी मानू में सैयदना अली अल मुर्तजा के बारे में भी कहा। कुछ खूबियां हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने जो सआदतें अता की थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर आपको तीन चीज़ें अता की गई थी, काश उन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मुझे मिल जाती तो मैं खुद को दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान समझता। ये सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे। वो एक चीज़ क्या थी, गदीर कुंभ के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये खैबर फतह नहीं हो रहा, आपने फरमाया कि कल मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन फतह देगा। सारे सहाबा खुद को उसका हकदार समझने लगे, खुद अबू बकर सिद्दीक भी, उमर फारूक भी, उस्मान गनी भी, दीगर सहाबा किराम भी, कि हो सकता है कि कल ये खुश नसीबी मेरे हाथ में आए। मजमा लग गया, वो कल आ गई, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा हुए और सब की अब तवज्जो लगी हुई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाएं और हम में से वो देखते हैं वो कुर्रा किसके नाम निकलता है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी तोड़ी और पहला जुमला जुबान अकदस से अदा किया, आपने फरमाया, अली कहाँ है, अली कहाँ है। ये सुनते ही सबकी नज़रें जो रास्ता था आने का उस तरफ भी लगी और कुछ नहीं कहा। अल्लाह के रसूल अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँखें दुख रही हैं, जैसे गर्मी के मौसम में अमूमन आँखें सुर्ख हो जाती हैं, उनमें ख़ारिश और चुभन सी महसूस होती है, अली की आँखें दुखती हैं। आपने फरमाया, बुलाओ। सैयदना अली अल मुर्तज़ा को बुलाया गया, आपने अपना लुआब मुबारक उसकी आँखों में लगाया। सैयदना अली अल मुर्तज़ा कहते हैं, उस दिन के बाद ज़िंदगी भर फिर मुझे कभी आँखों की तकलीफ नहीं हुई, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन लगाया। एक बात ये थी, और हजरत रसूल अकरम ने झंडा दिया और नेज़ा भी दिया, और अल्लाह ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर फतह भी दी मुसलमानों को। दूसरी बात ये थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दार फानी से रुखसत होने से पहले आपने एक हुक्मनामा जारी फरमाया। सहाबा किराम के बहुत सारे घर मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द थे और उनके दरवाज़े मस्जिद नबवी के सहन में खुलते थे, बहुत सारे घर थे सहाबा किराम के और उनके दरवाज़े मस्जिद नबवी के सहन में खुलते थे।
यानी साहबा ने आसानी के लिए ऐसा कर लिया था कि हम बस मस्जिद का घर का दरवाज़ा खोलें और हमारा अगला कदम मस्जिद के अंदर पड़े। आपने दार फानी से रुखसत होने से पहले तमाम साहबा को आर्डर किया कि आप सारे दरवाजे बंद कर दें सिवाय अली अल मुर्तजा के दरवाजे के, सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई दरवाजा मस्जिद में ना खुले, बाहर खुले, मस्जिद में ना खुले, इल्ला अलीयन, सिवाय अली अल मुर्तजा के दरवाजे के। सैयदना फारूक आजम कहते हैं ये दूसरी फजीलत थी जो अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के जरिए आपने इस साहबा किराम को इरशाद फरमाई। और मैं ख्वाहिश करता था कि ये चीज़ जो है काश मुझे नसीब होती। इसी तरह वो तीसरी चीज़ आपने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा किराम से कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, अली यु मिन्नी व अना मिन्हु। यही बात आपने हजरत हुसैन के बारे में कही, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। यही बात आपने हजरत हसन के बारे में कही, हसन मुझसे है और मैं हजरत हसन से हूँ। और यही बात हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के बारे में भी आपने फरमाई कि वो मुझसे है और मैं उससे हूँ। अब इससे लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं कि देखो जी आपने कह दिया वो मुझसे है, जैसे हम यहाँ बैठे दोस्तों में जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो तो वो कहते हैं यार आइए यार खाना खाएं इकट्ठे खाएं, मैं कहता नहीं यार मैं खा के आया हूँ आप खा लें। वो कहते हैं नहीं यार अकेले मज़ा नहीं आएगा, तो मैं ये कह देता हूँ यार तूने खाया मैंने खाया एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि अगर तीन दिन तक वो खाता रहे मैं ना खाऊँ तो मेरा पेट ऐसे ही भरता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये एक मोहब्बत के लिए एक अंदाज है इजहार मोहब्बत का कि तू खाए मैं खाऊं क्या फर्क पड़ता है। या जैसे होटल के बिल, मसलन हमने होटल पे खाना खाया, काउंटर पे आके दोस्त झगड़ने लगते हैं, वो कहता है मैं पे करूंगा, वो कहता है मैं पे करूंगा, फिर आखिर एक उसमें से ये कह देता है यार तेरी और मेरी जेब कोई अलग अलग थोड़ी है यार, तू पे करे या मैं पे करूं एक ही बात, तेरा मेरा कोई फर्क थोड़ी है। सेम यही जुमला है, ये मुझसे है मैं इससे हूं, यानी हमारा कोई फर्क नहीं है। ये मोहब्बत इजहार मोहब्बत की बात है, इजहार मोहब्बत की बात है। लेकिन इससे ये मुराद लेना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और सैयदना अली में, सैयदना हसन में, सैयदना हुसैन में या साद में कोई फर्क ही नहीं रहा, नहीं, ये बात मफहूम लेना ही गलत है। आप अल्लाह के रसूल हैं, बाकी सारे उम्मती हैं, बेशक आपके नवासा हूँ वो भी उम्मती हैं, सैयदना अली अल मुर्तजा हूँ वो भी उम्मती हैं, लेकिन आपने जो फजीलत दी उसको उसी मानू में लिया जाए तो वो बात दुरुस्त बनती है, सही बनती है। तो इसी तरह सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अनहु पर बेशुमार मौक़ों पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफें की, और इसी तरह की तारीफ, इसी तरह की तारीफ। और आपने ये भी फरमाया ऐ अली तेरी वजह से मुसलमानों के दो गिरोह तेरी वजह से दोजख में जाएंगे, तेरी वजह से मुसलमानों के दो गिरोह दोजख में जाएंगे, एक तेरी मोहब्बत में एक तेरी अदावत में। अब अदावत में तो समझ में आता है, मोहब्बत में तो समझ में नहीं आता कि मोहब्बत में भी कोई दोजख में जाए। उसका मतलब यही है कि वो वैसी मोहब्बत करेंगे जैसे ईसाई ईसा अलैहि सलाम से करते, गुलुब करेंगे, उसके अपने असली मकाम से मर्तबे से उसे बढ़ाएंगे, उस मर्तबे को जब बढ़ा चढ़ा कर बयान करेंगे जिस तरह रवाफिज और खवारिज, ये दोनों मद्दे मुकाबले, रवाफिज सैयदना अली अल मुर्तजा की नऊज बिल्ला इतनी तारीफ इतनी तारीफ इतनी तारीफ करेंगे कि वो अल्लाह ताला के साथ जा मिलाएंगे और कोई फ़र्क नहीं करेंगे, और खवारिज सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नऊज़ बिल्ला इतना बुग्ज़ रखेंगे और इतनी नफ़रत का इजहार करेंगे वो भी दोज़ख़ में जाएंगे। ना सैयदना अली अल मुर्तजा की गुलुब वाली मोहब्बत अल्लाह को पसंद है
और ना उनसे नफरत अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को वही पसंद है जो एक मुसलमान मोमिन के शया निशान है। वैसी मोहब्बत की जाए जैसी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, और नफरत की उसमें कोई गुंजाइश ना। बल्कि एक मौके पर आपने फरमाया, अली तेरी निस्बत जैसे जो शख्स तेरी तारीफ करेगा, मोहब्बत करेगा, मुहिब बनेगा, वो शख्स तो मुसलमान और मोमिन है, और एक वो जो तुझसे नफरत करेगा वो मुनाफिक है। यानी मुनाफिक ही तुझसे नफरत करेगा, मुनाफिक ही तुझसे नफरत करेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझा दी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफार यहूदियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात कही, अगर तुम भी ईमान का दावा करते हो तो फिर तुम्हारे लिए ईमान की एक मिसाल है सामने, उस मिसाल को तुम पूरा करो, अल्लाह के रजिस्टर में तुम भी मोमिन लिखे जाओगे। फरमाया, फइन्ना मनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद हितदउ, तुम भी ऐसा ईमान लाओ जैसे ये मुट्ठी भर जमात नबी मुकर्रम के साथ ईमान लाई है, सहाबाए किराम जैसे अल्लाह के रसूल के साथ ईमान लाए हैं, ना मोहब्बत में गुल्व करते हैं और ना शान को घटाते हैं। जैसी शान जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस जिस को भी जैसी शान जैसा मकाम जैसा रुतबा दिया है उसको मिनोहन तस्लीम करते हैं, अपनी तरफ से बढ़ाते भी नहीं, अपनी तरफ से घटाते भी नहीं। इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद हितदउ, अगर तुम ऐसा ईमान लाओ जैसे ये मुट्ठी भर लोग ईमान लाए हैं, फकद हितदउ, तब तुम हिदायत वाले हो जाओगे। यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन से भी कही कि तुम ईमान का दावा भरते हो, ईमान का दावा करते हो, ईमान का दम भरते हो, पहले सहाबा जैसा ईमान तो पेश करो। अल्लाह के यहाँ मेयार ये है, जिस तरह सहाबा नबी करीम से मोहब्बत करते हैं तुम भी आपस में ऐसी मोहब्बत करो जैसे सहाबा आपस में मोहब्बत करते हैं, तुम भी नबी करीम के साथ ऐसी मोहब्बत करो, तो ये तब तुम्हारा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिले कबूल है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में सहाबा किराम का एहतराम पैदा फरमाए, हमें तमाम सहाबा किराम के साथ बिला इम्तियाज मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अगले जुम्मा इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। वा आख़िरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।